दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है वो नोटिफिकेशन जो कि अभी के टाइम में AI एयरपोर्ट सर्विसेज के वेबसाइट पे काफ़ी आ रहा है और मैंने इसको स्टार्टिंग में एक दो बार इग्नोर किया, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोस्तों जब इस तरह की वैकेंसी आनी चालू हो गई है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एयरलाइन एयरपोर्ट की एक ऐसी वैकेंसी का अपडेट जिसके रिगार्डिंग सभी लोग इंतजार करते हैं। यहाँ पर बात करें अगर अपॉर्चुनिटी की, तो अगर आप इस वैकेंसी को सही तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और जैसा मैं गाइड करूँगा उसके अकॉर्डिंग अगर बात बन जाती है तो एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने का आपका सपना पूरा हो सकता है, जो कि है दोस्तों AI एयरपोर्ट सर्विसेज की। यहाँ पर जॉब मिलना थोड़ा सा ईजी होता है और सबसे अच्छी बात कि इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल होते हैं। इंडिया के किसी कोने से भी अगर कोई है और एयरलाइन एयरपोर्ट में वो जॉब ढूंढ रहा है तो यहाँ पर उसको जॉब मिलना काफी इजी होता है। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, लेकिन दोस्तों उसके पहले क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये कमेंट है मेरे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन का, जहां पर मेरे एक सब्सक्राइबर पूछते हैं कि सर मुझसे स्पाइस जेट वाले पैसे मांग रहे हैं, कुछ अमाउंट मांग रहे हैं, क्या यह सही है या गलत। तो दोस्तों मेरे कमेंट करने से पहले मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये फेक है या फिर फ्रॉड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके कमेंट के बाद अब मैं ये बता रहा हूं कि दोस्तों ये जो दिखाया गया है ये फेक है, ये फ्रॉड है। स्पाइस जेट की हालत देखी जाए तो अभी के टाइम में इतनी सही भी नहीं है और इसीलिए स्पाइस जेट काफी टाइम से ग्राउंड स्टाफ या फिर कैबिन क्रू के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की। सो फ्रेंड्स बात करें अगर नोटिफिकेशन की तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज ऑफ पैसेंजर सर्विस एजेंट्स फॉर स्टेशन गुवाहाटी एयरपोर्ट AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। काफी अच्छी वैकेंसी है। अब आप में से कुछ लोग ये मत कहिएगा कि प्लीज यार ये हमारे आसपास की वैकेंसी नहीं है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब अगर आपको मिल जाती है तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, काफी ईजी होता है मेरे समझ से। तो दोस्तों यहाँ पर जॉब ले लीजिए और बाद में अगर आपको पसंद ना आए तो आप इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर इसी कंपनी में अपने घर के आसपास जो भी एयरपोर्ट है वहां पर ट्रांसफर ले सकते हैं। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है वो नोटिफिकेशन जो कि अभी के टाइम में AI एयरपोर्ट सर्विसेज के वेबसाइट पे काफी आ रहा है और मैंने इसको स्टार्टिंग में एक दो बार इग्नोर किया, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोस्तों जब इस तरह की वैकेंसी आनी चालू हो गई है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आपको लेकर चलता हूं पूरे नोटिफिकेशन के साथ और बताता हूं कि आखिर ये वैकेंसी क्या है, कैसे है। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि इतना लंबा नोटिफिकेशन बताने की क्या जरूरत है, चार लाइन में बता दो यार, आपका और हमारा दोनों का टाइम बचेगा। तो दोस्तों टाइम बचाने से ना आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती है, और टाइम तो बच जाएगा, आपको टाइम सोशल मीडिया पर जाकर बर्बाद कर देंगे और जिसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर इस तरह की वैकेंसीज को किस तरह से पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को किस तरह से पढ़ते हैं, अगर आप ये जान जाएंगे तो बाद में आपको हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे जहां तक मेरी बात है, मेरा नाम है अभय पांडे, एयरलाइन एयरपोर्ट में 18 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। मेरे इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए वीडियो के माध्यम से, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वैकेंसीज काफी आते रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये दोस्तों इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एंगेजमेंट ऑफ पैसेंजर सर्विस एजेंट एट LGBI एयरपोर्ट गुवाहाटी, यानी कि LGBI एयरपोर्ट गुवाहाटी पे पैसेंजर सर्विस एजेंट की यहाँ पर एंगेजमेंट, मतलब कि जॉब टाइप का कह सकते हैं, आगे आपको बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक OJT यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही साथ आपको एक अमाउंट भी मिलेगा। ये नहीं कहता कि सैलरी काफी अच्छी है, लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं से हमें हमेशा बोलता हूँ एयरपोर्ट में एंट्री कर जाइए, उसके बाद आपके लिए पूरा रास्ता खुला होता है, आप कहीं भी स्विच कर सकते हैं। दिस ट्रेनिंग फोकसेस ऑन पैसेंजर हैंडलिंग फंक्शंस इन टर्मिनल रैंप एंड कार्गो एरिया एंड विल बी फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 11 मंथ विद अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 10,000। यानी कि दोस्तों ये आपको इनिशियली 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्टाइपेंड के बेसिस पे आपको यहाँ पर एक तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको पैसेंजर सर्विस, रैंप, कार्गो और जो इससे रिलेटेड जो भी एरियाज हैं आपको वहाँ पर काम सिखाया जाएगा। तो मेरे समझ से जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये बेहतर है आप इसको जरूर कर लीजिए। ये सब करने के लिए आपको 10,000 यानी कि 10,000 रुपये
दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, पहले आप ये समझिए। आप ये जो देख पा रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि ये कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है, कितने देशों में काम करती है, क्या काम करती है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो नॉलेज आपकी बढ़ती है और एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब स्मार्टनेस और नॉलेज के बेसिस पर ही मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं। जॉब प्रोफाइल में बात करें पैसेंजर सर्विस एजेंट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहला काम होता है आपका पैसेंजर हैंडलिंग एट टर्मिनल एंड ग्राउंड हैंडलिंग एट रैंप। काफी कुछ दिया हुआ है, मैं फटाफट आपको बताऊंगा शॉर्ट में। पैसेंजर हैंडलिंग, एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स ही आते हैं, जाहिर सी बात है, तो उनको आपको हैंडल करना होगा, मतलब कि उनको आपको असिस्ट करना होगा, कंपनी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। कहाँ पे? टर्मिनल। टर्मिनल मतलब कि जो बिल्डिंग होती है उसमें, और नहीं तो आपको ग्राउंड हैंडलिंग करना होगा रैंप के रिगार्डिंग। पैसेंजर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो पैसेंजर्स आते हैं आपको उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है ना पैसेंजर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बिहाफ पे आपसे फ्रॉड होता है। कई बार आपके पास एक मेल आता है, मैसेज आता है, और आपको ये बताया जाता है कि आपको जो जॉब मिलेगी वो होगा पासपोर्ट चेकर का। दोस्तों पासपोर्ट चेकर स्पेसिफिक होकर कोई जॉब नहीं होती, वो फेक फ्रॉड वाले होते हैं, उनसे बच कर रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें दूसरा काम क्या होगा, पैसेंजर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी पैसेंजर्स आते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक करना होगा। इसके बाद रिजर्वेशन मैनेजमेंट। रिजर्वेशन क्या होता है, किसी को अगर जाना होता है, या फिर ऐसे छोड़िए ना, फ्लाइट की कहानी छोड़िए, सिंपल आप यूं बात समझ, जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको रिजर्वेशन कराना होता है, ठीक उसी तरह से अगर आप फ्लाइट में भी जाते हैं तो आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है। यहाँ पर आपको रिजर्वेशन मैनेजमेंट का भी काम सिखाया जाएगा। मैं पूरा डीप नहीं जा रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके बाद आता है कस्टमर सर्विस, हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स एंड कंसर्न्स, यानी कि कस्टमर सर्विस में सब कुछ आ जाता है दोस्तों। जितनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कस्टमर सर्विस में आ जाता है, जिसमें मेनली आपको आता है कस्टमर को कोई इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप उसको असिस्ट कर रहे हैं। अराइवल एंड बोर्डिंग मैनेजमेंट, अराइवल मतलब कि कोई भी फ्लाइट आती है उसको मैनेज करना, किस तरह वहाँ पर काम क्या होता है सब कुछ बताया जाएगा। साथ ही आपको बोर्डिंग मैनेजमेंट, बोर्डिंग मैनेजमेंट मतलब कि फ्लाइट आ गई, सब लोग उतर गए, बात तो उसके बाद जब फ्लाइट को वापस भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें पैसेंजर ही जाते हैं, तो वहाँ पर जो पैसेंजर बोर्ड करेंगे उसको किस तरह से मैनेजमेंट करना है। VIP गेस्ट हैंडलिंग, जो भी VIP पैसेंजर्स होते हैं आपको उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। इसके अलावा शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी, शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है दोस्तों कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जो जॉब का प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे गए, 9 बजे गए और शाम को 5 या 6 बजे आ गए। अगर एयरपोर्ट बड़ा है और वहां पर नाइट शिफ्ट है तो 3 से 4 शिफ्टों में आपको वहां पर जॉब करनी पड़ती है। तो नीचे आइए दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर बता रहा हूँ, 10,000 रुपए की सैलरी आपको यहाँ मिलेगी। सैलरी नहीं बोलूंगा, स्टाइपेंड। स्टाइपेंड मतलब कि जब आप कुछ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आपको आपके खर्चे को निकालने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ एक अमाउंट दिया जाता है जिसे कहते हैं स्टाइपेंड। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका प्रोसेस क्या है, दिया गया है अप्रूव्ड एविएशन इंस्टीट्यूट या कॉलेज कैन अप्लाई बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू। यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कॉलेज हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, उन्हें अपना एक लिस्ट बनाकर भेजना होगा। किसे? उन्हें अपना एक लिस्ट बनाकर भेजना होगा AIESL पे, जिसके बेसिस पे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। मैं समझ सकता हूं अब यहां पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इसका मतलब कि हमें कोई कोर्स करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, कोर्स के चक्कर में मत पड़िए। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपसे लेंगे कितना, कम से कम 30,000, 40,000, 50,000। कई इंस्टीट्यूट्स तो काफ़ी उनका लंबा चौड़ा नाम है और जो कि लगभग 1.5 लाख तक आपसे फी लेते हैं और उसके बाद आपको सिंपल सी जॉब मिल जाती है। 1.5 लाख फी लगाकर अगर आपको 15,000 की जॉब मिल रही है मेरे समझ से, खासतौर से एविएशन की, तो ये समझदारी वाली बात नहीं है, वैसे पैसा आपका है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो आपको सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेसिस पे, ये होगा टेम्पररी एंगेजमेंट, यानी कि द एंगेजमेंट इज ऑन अ प्योरली टेम्पररी बेसिस, ये परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्पररी जॉब है। इसके बाद वर्क शेड्यूल क्या हो रहा है कि आपको 6 डेज आपको वर्क करना होगा 3 डिफरेंट शिफ्ट्स में। बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की तो क्या दिया गया है, सुटेबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ पैसेंजर सर्विस एजेंट। जो भी सुटेबल कैंडिडेट्स होंगे उनका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो उस यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर हमने इतना कुछ कर दिया तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा आप यूँ समझिए, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि पूरा जब आप इस कोर्स को कर लेंगे
ये जो ट्रेनिंग है कर लेंगे तो आपको PSS will receive a certificate of completion in passenger service from AIASL if their performance, appraisal, ratings and attendance are satisfactory. यानी कि कंपनी के टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं तब फिर आपको यहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा. अप्लाई कैसे करना है फिर से नीचे आ जाता है. यहां पर सबसे पहले क्या दिया गया है, इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन. एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विद डिटेल्स सच एज नेम, एज, क्वालिफिकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन द कंपनीज लेटर हेड फॉर स्क्रीनिंग पर्पस. यानी कि वो लोग जो कि कहीं से कोर्स कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये वैकेंसी आ रखी है आपको बताना जरूरी है ताकि कोई आपको मिसगाइड ना करे. जो कोई भी कहीं से कोर्स कर रहा है अगर वो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है तो वो अपने लेटर हेड पे अपने सारे कैंडिडेट्स का डिटेल देगा इस वाले फॉर्मेट में. इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं उनको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो भी होगा सिलेक्शन या फिर जो भी होगा प्रोसेस इन्फॉर्मेशन जो कंपनी है यानी कि AIASL वो आपको कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट को देगी, उसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है. तो बात ये आती है कि आखिर कम्युनिकेशन कैसे करना होगा. तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन द बिलो गिवन ईमेल आईडी लेटेस्ट बाय क्या दिया है 12th of October. यस दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो डिटेल्स हैं आपको 12th अक्टूबर यानी कि 12 अक्टूबर तक लेटेस्ट भेज देने हैं. ये जो वैकेंसी यहाँ पर आ रखी है यानी कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी आ रखी है ट्रेनिंग की, इसके रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन है इस वाले पोजीशन पे भेज देना है ईमेल आईडी पर. ध्यान देने की बात है दोस्तों कि यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो दोस्तों अब बात आती है कि आखिर मैं क्या सजेस्ट करता हूँ. फ्रेंड्स आप में से वो लोग जो कि कहीं कोर्स कर रहे हैं आप अपने इंस्टीट्यूट से कनेक्ट हो सकते हैं, उन्हें दिखाइए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आप प्लीज मेरा डिटेल सेंड कर दीजिए. लेकिन आप में से वो लोग जो कि कहीं कोर्स नहीं कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं जो पैसा आप यहां वहां खर्च करेंगे मेरे समझ से आप अपनी पर्सनालिटी पे खुद ही वर्क कीजिए. बहुत सारी चीजें अभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, पढ़िए, सीखिए, जानिए, समझिए, अपना रिज्यूम सही तरीके से बनाइए, उस रिज्यूम की तैयारी कीजिए और उसके बाद जहां भी वैकेंसीज आती हैं अप्लाई कीजिए. एक नहीं तो दो बार, दो नहीं तो बहुत जल्द ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. रिज्यूम अगर आपको बनवाना है दोस्तों तो ये जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं यहां पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर, आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाता है.